नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल RK एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको SSC CPO की जो वैकेंसी आई है उसके लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो फोटो और सिग्नेचर को कैसे रिसर्च करना है वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे आप रिसर्च करके आप मोबाइल फ़ोन से अपना जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि SSC CPO की जो वैकेंसी आई है उसके लिए आपको कैसे फ़ोटो सिग्नेचर को कितनी साइज में बनाना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा। सर्वप्रथम आप अपने हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप वीडियो देखकर हेल्प ले सकें। दोस्तों आपको सर्वप्रथम आना है अपने मोबाइल में, उसके बाद आपको जो है प्ले स्टोर में आना है, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिस ऐप का नाम है फोटो पिक्चर रिसाइज ऐप। यहाँ पर हम सर्च करेंगे फोटो पिक्चर रिसाइजर, यहाँ पर आपको इस प्रकार खुद दिखाई देगा, तो आपको इसी को आप इंस्टॉल कर लेना। देखिए दोस्तों मैंने पहले से इंस्टॉल किया है तो यहाँ अपडेट मांग रहा है तो हम अपडेट नहीं करेंगे। तो आपको इसे जो है इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में, उसके बाद आपको इसे ओपन करके इसके जितने भी फीचर होते हैं इसके बारे में मैं आपको एक एक को बताता हूं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। उसके बाद यहां पर अपने मोबाइल में देखना है, यहां कुछ इस प्रकार से इसका लोगो दिखाई देगा जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहां आने के बाद आपको इसे टच करना है, इसको ओपन करने के लिए आपको इसे ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ आने के बाद फोटो या पिक्चर रिसाइजर यहाँ पर दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ सेलेक्ट फोटो, टेक फोटो, रिसाइजर फोटो, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ आपको अपने हिसाब से ऑप्शन को देख लेना है। उसके बाद आपको जो सेलेक्ट फोटो है, अगर आप फोटो पहले से खींचे हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट फोटो पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सिलेक्ट फोटो पे क्लिक करोगे जितने भी आपकी गैलरी में फ़ोटो होगी उन सभी फ़ोटो को जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको अपनी फ़ोटो जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर एक फ़ोटो सिलेक्ट किया है तो उसको यहाँ पर आने के बाद आपको जो है रिसाइज कर लेना है। यहाँ पर रिसाइजर आपको दिखाई दे रहा होगा क्रॉप ऑप्शन, तो क्रॉप कर लेना है अपने हिसाब से फ़ोटो को, ठीक प्रकार से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद यहाँ आपको 5 ऑप्शन नीचे दिखाई देगा, रिफ्लेक्स मतलब आप उल्टा सीधा कर सकते हो। उसके बाद यहाँ क्रॉप का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ रिसाइजर का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके बाद शेयर का। तो आपको यहाँ पर आपको जो है रिसाइजर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रिसाइज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा फ़ोटो की साइज़ जो है 377 KB अभी दिखाई दे रही है। तो हमें जो है SSC में जो मांगा जाता है उसके हिसाब से जो है आपको हम फ़ोटो को बना के दिखाते हैं कि आपकी फ़ोटो की साइज़ कितनी होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको रिसाइजर के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे आपको रिसाइज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर परसेंटेज, उसके बाद फाइल साइज़, यहाँ फाइल साइज देखना है, उसके बाद यहाँ कस्टम आपको दिखाई दे रहा होगा तो इसे कस्टम पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप कस्टम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप कितने कस्टम मतलब आप कितने के बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो SSC द्वारा जो SSC CPO की वैकेंसी है उसके लिए जो फोटो की साइज होनी चाहिए वो 20 KB के 50 KB के अंदर में होनी चाहिए, 20 से 50 KB के अंदर में होनी चाहिए। तो आपको मिनिमम 20 KB होनी चाहिए और मैक्सिमम 50 KB। तो आपको हम 30 KB की फ़ोटो जो है रिसाइज करके आपको दिखाते हैं कि कैसे आपका फोटो जो है रिसाइज हो जाएगा जो SSC में मांगा जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको 30 KB सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर KB या MB दो ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको जो है 30 KB यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है, 30 या 35 KB की आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर ओके बटन का क्लिक कर देना, ओके बटन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, उसके बाद KB या MB, तो KB पे ओके बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखिए दोस्तों हमारी जो फ़ोटो की साइज़ है यहाँ पर पहले 377 दिखाई दे रहा था, तो अब जो है 30 KB यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो SSC के फॉर्म में अपलोड कर सकते हो आसानी से कुछ इसी प्रकार से। तो आपको फ़ोटो जो है क्रॉप करके हमने दिखा दिया, उसके बाद सिग्नेचर को इसी प्रकार से आपको क्रॉप करना है। तो सिग्नेचर अगर आप फ़ोटो पहले से रखे हैं तो फ़ोटो को क्लिक नहीं करेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ लाइव क्लिक कर सकते हैं। तो क्लिक करने के लिए आप को सिलेक्ट फ़ोटो पे जो है क्लिक कर देना है, उसके बाद टेक फ़ोटो पे क्लिक करोगे तो कुछ इसी प्रकार से फ़ोटो अपना खींच लेना, उसके बाद यहाँ पर इसे क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के लिए आपको यहाँ क्रॉप ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इसे फ़ोटो को जो है एक बार अपने हिसाब से क्रॉप कर लेना है। तो क्रॉप जैसे ही आप क्रॉप करोगे फ़ोटो को तो यहाँ पर
आपको फोटो की तरह इसको भी उसी प्रकार से बनाना है। तो हम इसे पहले क्रॉप कर लेते हैं, उसके बाद इसे देखते हैं कि कितनी केबी में बनी है। तो यहाँ केबी से जो है हमें जो है फ़ोटो की साइज कितनी केबी में होनी चाहिए, SSC CPU में कितनी केबी की फ़ोटो मांगा गया है यहाँ पर, उसी हिसाब से हम बनाएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कस्टम पे आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो फ़ोटो की जो आपकी सिग्नेचर की साइज होनी चाहिए, जो फ़ोटो की साइज 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, जो सिग्नेचर की साइज होनी चाहिए वो 10 से 20 KB के अंदर में होनी चाहिए। सिग्नेचर की साइज आपकी जो है 10 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए, जो SSC द्वारा मांगा जाता है। इसमें आप वो फोटो को सिग्नेचर बनाओगे तो आसानी से आपके फार्म में जो है अपलोड हो जाएगा। तो हम यहाँ से 15 KB की जो है यहाँ सिग्नेचर की साइज रख के उसके बाद हम 15 KB की बना देते हैं, जिससे कि अपलोड करने में आसानी हो। 15 KB यहाँ सेलेक्ट करके उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो फोटो की साइज है, देखिए दोस्तों सिग्नेचर की साइज जो है यहाँ पर 15 KB की बन गई है। तो कुछ इसी प्रकार से आपको बना लेना है। बनाने के बाद आपको ऑटोमेटिक यहाँ सेव हो जाता है आपकी गैलरी में। उसके बाद यहाँ आपको हम दिखाते हैं कि कैसे आपको यहाँ देखना है कि कैसे हमारे गैलरी में है। यहाँ रिसाइजर फोटो पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपकी जितनी भी फोटो रिसाइज किए होंगे यहाँ पर दिखाई देगी। तो दोस्त चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना न्यू कंटेंट